ये स्टार्टिंग से है क्या बिल्कुल? हेलो, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द AWS VPC। तो VPC क्या होता है कि जैसे अपना अगर आपने आइसोलेट नेटवर्क बनाना है AWS में, तो हम VPC यूज करते हैं। जैसे मान लो आपके कंपनी में कुछ डाटाबेस सर्वर है, ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन या वेब सर्वर्स हैं। तो वेब सर्वर को आप पब्लिक सबनेट में रखते हो, जैसे आपको पता है कि उनको इंटरनेट से एक्सेस करना पड़ता है क्लाइंट को बाहर से या आपके जो यूजर्स हैं। बट डाटाबेस सर्वर्स का किसी भी हमारे यूजर से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको प्राइवेट सबनेट में रखते हैं। तो इसी हिसाब से कुछ सबनेट आप कैसे डिजाइन करते हो, आइसोलेट नेटवर्क कैसे बनाते हो। आइसोलेटेड नेटवर्क का मतलब कि जैसे मान लो मेरा ये एक डिपार्टमेंट ये है, एक डिपार्टमेंट ये है, मैं कहता हूँ कि इनके तीन कंप्यूटर मेरे तीन कंप्यूटर से कम्युनिकेट ना कर पाए, अलग अलग करना मुझे नेटवर्क, इसको अलग IP देने चाहिए, मिलने चाहिए इसको अलग। तो इस टाइप के नेटवर्क्स आप VPC के थ्रू आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ये पब्लिक सबनेट बनाने हैं, प्राइवेट सबनेट बनाने हैं, तो एक आइसोलेटेड नेटवर्क हम VPC से बनाते हैं। तो VPC सबसे पहले क्रिएट करने के लिए हमें डैशबोर्ड पे जाना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो डिफॉल्ट VPC होगा वो मेरा क्रिएटेड होगा। तो ये मेरा डिफॉल्ट वाला VPC है, जो आप वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करते हो देखते हो, वहाँ VPC नहीं बनाते अपने आप से, उसको एक डिफॉल्ट VPC मिल जाता है, वही वाला VPC है। तो अगर आपको एक अपना कस्टम VPC बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको क्रिएट VPC पे यहाँ पे क्लिक करना है, और क्रिएट VPC में हम यहाँ पे कोई भी नाम दे दो अपना, ठीक है, VPC का नाम। और यहाँ पे आपको एक क्लासफुल IP एड्रेस देना है। तो क्लासफुल IP एड्रेस क्या होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्लासफुल IP एड्रेस मैंने दे दिया, और यहाँ पे टेंडेंसी में डिफॉल्ट ही लिख लेता हूँ। ये होता है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड में होता है कि ना ओनली डेडिकेटेड थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा डिफॉल्ट और डेडिकेटेड क्या होता है इसके बारे में ना बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासफुल IP एड्रेस रख लिया मैंने, और इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, ये नेम दे दिया और ये आपको IP एड्रेस दे दिया, और इसके बाद मेरे को क्रिएट VPC करना है। तो जैसे ये VPC क्रिएट होगा ना, इसके बाद आपको करना है क्रिएट इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे देखो, इंटरनेट गेटवे अभी मेरा डिफॉल्ट वाला ही है, मेरे को खुद का एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है। तो इंटरनेट गेटवे देखो क्या काम करता है, इंटरनेट गेटवे कनेक्ट द VPC फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। VPC को इंटरनेट से जोड़ने के लिए ना इंटरनेट गेटवे, VPC को इंटरनेट से जोड़ता है। हाँ, तो मैं बना देता हूँ समीर IGW के नाम से, और मैं क्रिएट इंटरनेट गेटवे कर देता हूँ। और इंटरनेट गेटवे क्या बोलेगा कि भाई अभी मैं डिटैच हूँ, तो मुझे VPC के साथ जोड़ दो। तो मैं कहूंगा अटैच VPC, और यहाँ पे VPC सिलेक्ट करके और उसको अटैच कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपका, जैसे ही आप एक VPC बनाते हो तो उसके राउटिंग टेबल अपने आप से बन जाता है, ठीक है। जैसे डिफॉल्ट वाला राउटिंग टेबल है, ऐसे ही मेरा जो राउटिंग टेबल है इसको मैं नाम दे देता हूँ पब्लिक राउटिंग टेबल, क्योंकि मुझे अभी एक प्राइवेट राउटिंग टेबल अलग बनाना पड़ेगा। ये मैं अभी समझाता हूँ कि पब्लिक, सर ये पब्लिक वाला भी अपने आप बनाए या ये नहीं सर, ये डिफॉल्ट वाला तो पहले से था, ये पब्लिक वाला ये अब बनाया है इस VPC से ना। देखो समीर भी, ये देखो समीर VPC जब क्रिएट किया तो ये अपने आप बन गया। ओके ओके, ठीक है। तो राउटिंग टेबल अपने आप से बैकग्राउंड में बन जाएगा, ठीक है। तो VPC क्रिएट हो गया, हाँ वो अभी बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो VPC हमारा क्रिएट हो गया, और राउटिंग टेबल क्रिएट हो गया, सबनेट्स हो गए, अब इंटरनेट गेटवे भी हो गया। अच्छा, हाँ सबनेट करना है आपको। तो सबनेट के लिए सबसे पहले मैं दो सबनेट बनाऊंगा, मैं यहाँ पे एक पब्लिक बनाऊंगा एक प्राइवेट बनाऊंगा। और तो सिलेक्ट VPC करो यहाँ पे समीर VPC, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो हमने पहले ना यहाँ पे गलती करी थी। जब आप नो प्रेफरेंस करते हो ना, तो AWS ना अपने आप से अवेलेबिलिटी जोन दे देता है, और मोस्टली वो अवेलेबिलिटी जोन हमें दे देते हैं 1C। और 1C में क्या होता है कि T2.micro हमारा नहीं काम करता, जो फ्री वाला होता है। तो इसके लिए इसको फोर्सफुली सिलेक्ट कर लो 1A, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वो एरर हमें आ रहा था बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे सबनेट में दे देता हूँ प्राइवेट या पब्लिक दे देता हूँ पहले, ठीक है, पब्लिक सबनेट। और ध्यान रखना हमें ये 1A लेना है ना। हाँ कुछ भी ले लो, 1B ले लो, बट 1C ना लो, क्योंकि इन वन इन AP साउथ 1C T2.micro इज नॉट सपोर्टेड, जैसे जो एरर हमें आ रहा था पिछली वीडियो में। ओके सर, ओके, नहीं तो वो आपको वो आएगा। तो इसको फोर्सफुली मैंने 1A पे कर लिया, या 1B पे कर लो, बट 1C पे ना करना, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आप सबनेटिंग जो भी आपने मैंने बताई थी पहले भी, तो वो हम दे देंगे उसी हिसाब से जो आईपी इसका होगा 10.0/25, ठीक है, तो 127 तक चले जाएंगे यहाँ पे आईपी एड्रेस क्रिएट सबनेट, और सबनेट मेरे क्रिएट हो गया। ऐसे ही हमें एक दूसरा सबनेट करना है क्रिएट, जिसको मैं नाम दूंगा प्राइवेट सबनेट का, तो वीपीसी समीर वीपीसी, और मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा प्राइवेट सबनेट, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे भी आपको फोर्सफुली सिलेक्ट करना वन ए, अगर नहीं करोगे फिर आपको वो दिक्कत आएगी 22.micro की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 9.0 128 था ना, 10 था, यस 10 था, मिस हो गया, ठीक है, आ गया, ओके एंड क्रिएट। अब देखो मेरा सारा कुछ बन गया, मेरा वीपीसी बन गया, इंटरनेट गेटवे बन गया, राउटिंग टेबल बन गया, IGW को वीपीसी से कनेक्ट भी कर दिया है, और मेरे सबनेट भी बन गए। तो वो आपको मशीन्स बनाने हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक वेब सर्वर बनाऊंगा अपने पब्लिक सबनेट में, और उसको मैं बाहर से असेस कर सकता हूँ, और एक मशीन बनाऊंगा पर प्राइवेट सबनेट में, ठीक है। तो मैं EC2 में जाऊंगा, EC2 सर्विस से आपको पता ही है हम इंटेंस क्रिएट करते हैं। यस सर। तो मुझे यहाँ पे अपनी जो भी मशीन मेरे को क्रिएट करनी है वो मैं मशीन सिलेक्ट करूंगा, एक मिनट, लॉन्च इंटेंस, तो मैं ले लेता हूँ रेड हैट वाली। इसमें आपको कहाँ पे ध्यान देना है, बस इधर ध्यान देना, देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इंटेंस डिटेल में step 3 पे, अगर आप एक कस्टम वीपीसी में मशीन बना रहे हो, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंटेंस कितने बनाओ, मैंने कहा एक ही बनाओ, और नेटवर्क देखो जहाँ पे नेटवर्क डिफॉल्ट ये सिलेक्ट करके बैठा हुआ है, तो हमें अपना कस्टम वीपीसी सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे वीपीसी वाला, ठीक है, और इसको मैं दे रहा हूँ पब्लिक सबनेट, ठीक है, पब्लिक सबनेट और पब्लिक आईपी इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गए, ये तीन चीजें चेंज करनी है यहाँ पे, समीर वीपीसी, पब्लिक सबनेट और इसको इनेबल करा। Yes, अब देखो मैं ऐड स्टोरेज करता हूँ, नेस्ट करता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप में डिफॉल्ट ले रहा हूँ, ठीक है, रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च एंड ये मेरा क्रिएट हो गया। देखो कोई एरर नहीं आया, वो एरर क्यों आ रहा था वो मैंने आपको दिखा दिया कैसे रिजोल्व किया, ठीक है, वो क्यों आ रहा था वो मैंने दिखा दिया, जब हम सबनेट बना रहे हैं ना वहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये मेरी मशीन क्रिएट हो रही है, इतना मैं दूसरी कर लेता हूँ प्राइवेट सबनेट में, तो प्राइवेट सबनेट में भी मैं एक मशीन कर लेता हूँ, इतना वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, दिस इज समीर वीपीसी और मुझे बनाना है प्राइवेट सबनेट में, ठीक है। पब्लिक आईपी यहाँ पे इनेबल भी करोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पब्लिक आईपी इनेबल कर भी दोगे तब भी नहीं मिलेगा पब्लिक आईपी, मैं देखो इनेबल कर रहा हूँ जान के, तब भी इसको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट है, ठीक है। ऐड स्टोरेज, ऐड टैग्स, सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट ले रहा हूँ, ओके, तो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लिया, और लॉन्च एंड आई विल यूज एग्जिस्टिंग की पेयर, सो नाउ आई विल लॉन्च अगेन, तो ये मेरे दो मशीन क्रिएट होगी। तो ये वाली मेरी पब्लिक वाली है क्योंकि पहले से ही मेरी उसमें है, ठीक है, पब्लिक सर्वर, मतलब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ बाहर से, और ऊपर वाला जो है ये मेरा प्राइवेट सर्वर। सर हम जो ये EC2 इंस्टेंस होते हैं ये हम कितने भी लॉन्च कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ज्यादा करने का, जितने मर्जी कर लो, जितने मर्जी कर लो, अब प्रैक्टिकल तो 2 से भी हो जाएगा ना, नहीं मतलब उसमें कुछ पे वगैरह कोई फी वगैरह नहीं होगी ना, वो तो होता है, वो तो लिमिटेशन होती है ना कि इतने 750 घंटे में कितने चला रहे हो आप, वो तो होती है लिमिटेशन, मतलब वैसे तो जितने मर्जी बना लो, मतलब कि कितने आवर्स में कितनी सर्विसेज आप यूज कर सकते हो उसकी कुछ लिमिटेशन होती है इसमें ना, 750 घंटे आप EC2 सर्विस चला सकते हो फ्री में, ऐसे कुछ करके होता है। अभी देखो दोनों सर्वर बन गया, अब जो मेरा पब्लिक वाला है ना, ये देखो ये वाला, इसका आईपी है ये, देखो पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, ठीक है, पब्लिक आईपी देखो इसको मिल गया पब्लिक सर्वर को, बट अगर मैं प्राइवेट सर्वर पे जाता हूँ ना, देखो पब्लिक आईपी इसको भी मिला है, बट
मैं इसको पिंग नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट सबनेट में है। देखो मैं पब्लिक सर्वर को अगर आपको पिंग करके दिखाऊं ना, अभी ये मशीन वैसे स्टार्ट नहीं हुई प्रॉपरली, बट मैं एक बार कर लेता हूँ पिंग। एक बार वो कर दो सर, रिफ्रेश कर दो। क्या बोल रहे? हाँ हाँ, वो कर देगा, वो थोड़ा टाइम लेती है कई बार ना, तो एक मिनट। टाइम लेते ना कई बार, एक होगी पब्लिक वाली होगी। बन गई। पब्लिक वाली है। ये मेरी पब्लिक वाली है। अब देखो मैंने, अब मेरा पिंग क्यों नहीं आ रहा? देखो सारा काम कर दिया बट मैंने एक चीज में भूल गया। क्या चीज भूल गया? राउटिंग टेबल में रूट ऐड करना। हाँ जी, राउटिंग टेबल में हमने रूट ही नहीं ऐड करे ना, इसीलिए पिंग नहीं आ रहा। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको पिंग करके दिखाऊं ना, पब्लिक आईपी, ठीक है, पब्लिक सर्वर का पब्लिक आईपी, तो पिंग ही नहीं, तो मेरा पिंग ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने अभी राउटिंग टेबल में रूट ही नहीं ऐड करा, मैंने उसको बताया नहीं भाई तुम्हें कहाँ कहाँ से होके जाना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मेरे को इंटरनेट पे जाना है, बट मेरे को पता ही नहीं कैसे जाना है, क्योंकि मेरे को रूट ही नहीं डिफाइन किया हुआ कुछ भी, ठीक है। मतलब कोई बंदा यार जैसे बस लेके जानी है, उसको बस तो खड़ी रहेगी जब तक उसको मैं रूट नहीं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ को तेरे को होके जाना है। तो वो चीज है कि राउटिंग टेबल में मेरे को रूट बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको पिंग लगा के छोड़ रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखे जी, जैसे मैं राउटिंग टेबल में रूट ऐड करूंगा और ये पिंग होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले राउटिंग टेबल में जाना है पब्लिक सर्वर के, तो इसके लिए मुझे वीपीसी में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वीपीसी, ये ऊपर से सर्च करना है आप यहाँ से ना, ऊपर से यहाँ पे राउटिंग टेबल आएगा, ठीक है। ये राउटिंग टेबल में गया मैं, मुझे पब्लिक सर्वर के राउटिंग टेबल में जाना है। अभी देखो कोई पिंग नहीं आ रहा, राउटिंग टेबल पब्लिक राउटिंग टेबल ये रहा, ठीक है। अब इसमें ना देखो आप क्या करो कि इसमें सबनेट एसोसिएशन करनी पड़ेगी, तो सबनेट एसोसिएशन में क्या करो, आप एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाओ और यहाँ पे मेरा सिलेक्ट कर लो पब्लिक सबनेट, ठीक है। एसोसिएट कर रहे हो आप सबनेट को वहाँ पे राउटिंग टेबल में, तो पब्लिक सबनेट सेव कर दो। सेव हो गया, ये था ना सबनेट एसोसिएशन होगी, हाँ होगी, ये आ गया सबनेट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रूट ऐड करना है। अभी भी पिंग नहीं आया, ठीक है सर। सबनेट एसोसिएशन में सबनेट एसोसिएट कर दिया पब्लिक वाला, इसमें पब्लिक राउटिंग टेबल में। ओके सर, अब राउटिंग टेबल में जाना है और राउट में ना रूट ऐड करना है। अभी ये कह रहा है कि आप इंटरनली कम्युनिकेट कर सकते हो बस, बट मैं कहता हूँ कि अगर इसको इंटरनेट पे जाना है ना, ठीक है, अगर मान लो इसको इंटरनेट पे जाना है तो ये मेरा IGW के थ्रू जा सकता है। इंटरनेट गेटवे मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला, ये समझ में आया? ये पहले बोल रहे कि आप अंदर कौन सा गेटवे, ये गेटवे वो है ना जो हमने बनाया था। हाँ वो है, पहले ही अंदर अंदर कम्युनिकेट कर पा रहा था, बट मैं कहता हूँ कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो आप IGW के थ्रू जा सकते हो। तो अभी देखो कोई पिंग नहीं आ रहा, सेव चेंजेस किया, कंट्रोल सी कर दोबारा से, दोबारा पिंग करना था। एक मिनट, लग रहा है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप का कुछ पंगा पड़ रहा है। एक मिनट, हाँ जी, इनबॉर्न चेक कर लो। ये है ना पब्लिक सर्वर, तो कई बार सिक्योरिटी ग्रुप का कुछ इशू आता है तो ही ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एक मिनट, सिक्योरिटी ग्रुप, तो देखो यहाँ पे गलती हो रखी है इनबाउंड में ना, ये पिंग इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इनबाउंड में क्या लिखा हुआ है कि मेरा जो कस्टम ले रखा है मैंने, इसको एनवेयर करना है, ठीक है, एंड सेव। देखो अब मेरा पिंग आ जाना चाहिए, आ गया पिंग, हाँ जी हो गया। तो ये मोस्टली ये सिक्योरिटी ग्रुप की प्रॉब्लम होती है ऐसे ना, ठीक है। तो पिंग आ गया, ठीक है, तो मतलब कि देखो मेरा पिंग आ रहा है ना, अगर दैट मीन मेरा जो सिस्टम है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, इंटरनेट से कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि मैं इंटरनेट पे बैठा हूँ ना, मैं तो अपनी मशीन पे, तो मैं पब्लिक मशीन को मैं ले सकता हूँ SSH, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको SSH नहीं ले रहा, बस मैंने पिंग करके छोड़ दिया। अब मैं प्राइवेट सब उसमें जाता हूँ, एक प्राइवेट मशीन पे, तो प्राइवेट मशीन का राउटिंग टेबल अभी, हाँ उसमें भी राउटिंग टेबल मुझे कन्फिगर करना है। ठीक है, तो राउटिंग टेबल मुझे प्राइवेट राउटिंग टेबल में अलग से बना लेता हूँ एक, क्योंकि उसमें IGW का रूट ऐड नहीं करना मुझे, फिर इसको मैं दे देता हूँ प्राइवेट राउटिंग टेबल। ठीक है, और VPC मेरा कौन सा होगा, समीर VPC एंड क्रिएट। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी राउटिंग टेबल में IGW का रूट ऐड नहीं करते, दैट मीन वो एक प्राइवेट सबनेट है। और अगर किसी राउटिंग टेबल में आप IGW का रूट ऐड कर देते हो, दैट मीन्स वो एक पब्लिक सबनेट है। जैसे राउटिंग टेबल था ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आपने IGW का रूट ऐड कर रखा है, दैट मीन ये पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट का राउटिंग टेबल है। और अगर किसी राउटिंग टेबल में मतलब गेटवे हमने ऐड कर रखा है इसमें, गेटवे, हाँ मतलब इंटरनेट गेटवे, अगर आपने रूट ऐड किया हुआ है ना किसी भी राउटिंग टेबल में, दैट मीन वो जो राउटिंग टेबल है उसका सबनेट जो है ना वो पब्लिक सबनेट है। तो सर इसमें प्राइवेट वाले में तो नहीं करेंगे हम? नहीं, इसमें नहीं करेंगे, मैं तभी अलग बनाया ना राउटिंग टेबल उसका। हाँ जी, तो इसमें मैं जाऊंगा सबनेट एसोसिएशन करूंगा, और सबनेट एसोसिएशन में क्या कहूंगा कि भाई इसको प्राइवेट सबनेट के साथ एसोसिएट कर दो, सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे मुझे IGW का रूट ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने IGW का रूट ऐड कर दिया तो ये भी एक हमारा प्राइवेट पब्लिक बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि इंटरनेट पे तो तुम जा नहीं सकते, ठीक है, इंटरनेट से तुम्हें कोई नहीं एक्सेस कर सकता, बट हाँ जिसका IP एड्रेस ये होगा ना 192.168 इस रेंज से होगा, इस नेटवर्क का होगा, वो तुम्हारा SSH ले सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो पब्लिक सर्वर है ना उससे मैं इसका SSH ले सकता हूँ, इस प्राइवेट सर्वर का, बट मैं इंटरनेट से नहीं ले सकता, समझ रहे हो, मतलब कि अगर उसके लिए तो नेट गेटवे लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ वो भी मैं बताता हूँ, नहीं तब भी नहीं होगा, नेट गेटवे से इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बट SSH आप तब भी नहीं ले सकते, क्योंकि फिर तो वो यार उसका मतलब क्या कर रहा है, सिक्योरिटी तो ब्रीच होगी ना, फिर क्यों बनाया तुमने प्राइवेट सबनेट, जब तुम्हें सारा काम बाहर से करना ही है तो उसको पब्लिक में डाल दो। तो वो नेट गेटवे से भी अभी मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं देखो प्राइवेट सर्वर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक IP अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखो पब्लिक IP इसको मिला है, बट अगर मैं इसको पिंग करूँ ना पब्लिक IP को, तो ये पिंग नहीं करेगा CLS। ठीक है, पिंग कर रहा हूँ मैं इसको पब्लिक IP को, और देखो कोई पिंग नहीं आएगा। ठीक है, कोई पिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा ना प्राइवेट सबनेट में बना हुआ है, और प्राइवेट सबनेट में क्या होता है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी मैंने दे ही नहीं रखी, समझ रहे हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी मैंने दे ही नहीं रखी। और अगर हम पब्लिक वाला देते हैं, सॉरी प्राइवेट, अगर सर प्राइवेट में ही इंटरनेट की परमिशन अगर देनी हो कोई रूट, वो मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि प्राइवेट राउटिंग टेबल में कि आप ना अंदर अंदर, मतलब कि देखो पब्लिक राउटिंग टेबल में मैंने क्या बनाया हुआ है कि आपको अंदर से, मतलब इस IP के जो मशीन होगी वो आपका इस मशीन को एसेस कर सकते हैं, और इंटरनेट पे भी जा सकती है ये मशीन, मतलब इंटरनेट से भी कोई भी SSH ले सकता है इसका, इस गेटवे के थ्रू, मतलब ट्रैफिक अलाउ हो रहा है ना, दो ट्रैफिक अलाउ कर दे, एक तो लोकल तो है ही है, और एक बाहर से भी कोई भी SSH ले सकता है, इसीलिए तो पिंग हो रहा था मेरा। बट प्राइवेट में क्या करा, प्राइवेट में IGW का रूट ऐड नहीं करा, और ये बोल रहा है कि आपको हाँ इस इंटरनेट से तो कोई भी आपका IP नहीं ले, SSH रिमोट नहीं ले सकता, बट हाँ अगर वो इस सर्वर, इस नेटवर्क पे किसी मशीन पे पहुंच जाता ना, तो वहां से वो ले सकता है तुम्हारा रिमोट, समझ में आया, मतलब कि अगर इस नेटवर्क की कोई मशीन है उस पे आ जाता है, तो वो इस प्राइवेट सर्वर का IP ले, वो SSH ले सकता है। तो मैं वो करके दिखाता हूँ, देखो मैं, मुझे पहले क्या करना है, पब्लिक सर्वर अपना SSH लेना है, तो इसको हम पता क्या करते हैं, जब हम एक पब्लिक सर्वर से एक प्राइवेट सर्वर का SSH लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न होस्ट। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं वेस्टर्न होस्ट का, तुमने सुना होगा। मतलब क्या कर रहे हैं सर हम, क्या कर रहे हैं सर हम यहाँ पे, मतलब एक पब्लिक सर्वर से एक प्राइवेट सर्वर का वो ले रहे हो तुम, देखो ये वेस्टर्न होस्ट इज अ स्पेशल पर्पस प्राइवेट सर्वर से पब्लिक, हाँ
एक मिनट दिखाता हूँ, मतलब कि प्राइवेट को तो हम डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते ना बाहर से, तो हम एक उसी आईपी का एक वो लेंगे सर्वर जिसपे इंटरनेट एसेस हो रहा है, और उससे फिर हम आगे उसका लेंगे प्राइवेट सर्वर का एसएसएच। अगर सर अपने से देना होगा सर, प्राइवेट प्राइवेट को अपने से देना होगा कोई रूट की, भाई ये आईपी एड्रेस है यहाँ से होते हुए इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे जाए। प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैं बता रहा हूँ कैसे देंगे अभी ना, वो इसी पे ही आ रहा हूँ। तो मैं बस ये बता रहा था कि तुम्हें कि जैसे अगर मेरे को इस प्राइवेट सर्वर का एसएसएच लेना है तो मैं इस सर्वर के थ्रू ही ले सकता हूँ और किसी सर्वर के थ्रू नहीं ले सकता। तो इस चीज को बोल देते हैं हम जंप सर्वर, ये सिक्योर हो गया। देखो इसको डायरेक्टली कोई नहीं एसेस कर पा रहा, बट हाँ इसको कौन एसेस कर पाएगा, इसको तो आईटी का बंदा ही एसेस करेगा ना, और उसको पता है कि इसका आईपी क्या है, बाहर वाले बंदे को तो नहीं पता ना क्या आईपी है। बाहर से देखो कोई एसेस नहीं कर पाएगा इसको, इस वाले को। बट हाँ अगर वो कोई बंदा है जिसको असेस करना है तो वो इस सर्वर के थ्रू इसको यूज करेगा, मतलब डायरेक्टली इस पे नहीं असेस कर सकता, वो इसके थ्रू करेगा, और इसके थ्रू वही करेगा जो आईटी का बंदा होगा जिसको पता है कि ये सर्वर का आईपी क्या है जो भी है, ठीक है। बाहर के बंदों को थोड़ी पता है इसका आईपी क्या है। तो वही चीज होती है कि मतलब एक तरह सिक्योरिटी पर्पज के लिए सब यूज किया था, इसको जंप सर्वर भी बोलते हैं। जब हम एक प्राइवेट पब्लिक सर्वर से प्राइवेट सर्वर का रिमोट लेते हैं उसको जंप सर्वर भी बोल देते हैं, वेस्टर्न होस्ट का नाम भी देते हैं इसको, ठीक है। मतलब एक ऐसा सर्वर रिमोट पे लेना जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बट किस सर्वर से लेंगे जो उसके सेम नेटवर्क में है, प्राइवेट नेटवर्क जिनके सेम है। तो मैं पब्लिक सर्वर को यहाँ पे रिमोट पे ले रहा हूँ, देखो पब्लिक आईपी ये रहा मेरा, और मैं इसको रिमोट पे ले रहा हूँ, और फिर वहां से पब्लिक सर्वर से मैं प्राइवेट सर्वर रिमोट पे लूंगा जो कि मेरे इंटरनेट से नहीं आएगा। तो मैं एक न्यू सेशन बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस लिखा और यहाँ पे यूजर नेम आएगा ec2-user, ठीक है। और एडवांस एसएसएच में जाके यहाँ पे आपको की देनी है रेड हैट वाली, ठीक है। और ये मैंने किया कनेक्ट और मेरा सर्वर लॉगिन हो जाएगा। हो गया लॉगिन, sudo su-hyphen हो गया लॉगिन, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इस सर्वर को कैसे एसेस करें प्राइवेट वाला, तो ये बोला है ना प्राइवेट वाला, तो इसका पब्लिक आईपी हमें पहले कॉपी करना पड़ेगा, बट उससे पहले मेरे को इसकी की कॉपी करनी पड़ेगी। तो की पड़ी है मेरी डाउनलोड्स में, ये वाली की देखो कैसे उठाऊंगा मैं इसको, मुझे क्या करना पड़ेगा, नोटपैड में ओपन करना, ओपन विद नोटपैड, एक मिनट। ये की है इसको मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। कॉपी करा, ठीक है, यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है की को, वी आई की में मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मैं प्राइवेट सर्वर का देख रहा हूँ कैसे आई बोले रहा हूँ ना रिमोट, और इसके बाद मैंने इसको किया डब्ल्यू के उसे सेव, ठीक है, कैट की, ये की आ गई मेरी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, एस एस एच लो, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आई डी जो की है वही है, ठीक है। यूजर क्या है, ec2-user से रिमोट लेना है, @IP address क्या है, ये तो मैं थोड़ा बहुत पता ही चल रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। तो प्राइवेट सर्वर का आईपी मुझे देना है यहाँ पे ना, मतलब कि प्राइवेट सर्वर को आप डायरेक्टली नहीं असेस कर पा रहे बाहर से, देख रहे हो प्राइवेट। तो यहाँ पे हाँ देखो प्राइवेट आईपी मैंने लिया, प्राइवेट आईपी ले रहा हूँ, देखो पब्लिक नहीं ले रहा क्योंकि पब्लिक नहीं काम करेगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर किया, यस किया, देखो परमिशन डिनाई का एरर आ गया क्योंकि अनप्रोटेक्टेड फाइल, क्योंकि जो फाइल की परमिशन है ना, ये वाली जो मैंने फाइल बनाई है इसकी परमिशन ना रीड राइट रीड रीड है, तो आपने इसकी परमिशन ना अदर्स को कुछ नहीं देनी रीड रीड की। तो मैं 7000 परमिशन कर देता हूँ इसमें, 7000, मतलब दूसरे को कोई परमिशन ना दो, ठीक है। अब मैं अगर की से देखो वो ले रहा हूँ ना SSH, देखो आ गया SSH एकदम, देख रहा हूँ ये 220 का SSH आया, ये 220 मतलब कि इस प्राइवेट सर्वर का, देखो ये देखो प्राइवेट आ गया। और इस प्राइवेट पे अगर मैं कहता हूँ ना कि भाई google.com, तो इस पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है,
नहीं है ना? हाँ जी, प्राइवेट वाले पे ना? हाँ नहीं है। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि हमारे जो प्राइवेट सबनेट है, हमारे सर्वर्स जो प्राइवेट सबनेट में है, उनको भी हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी देनी पड़ती है। तो उस केस में हम क्या करें, अगर उसका IGW का रूट ऐड करें तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो कोई बाहर से उसको कोई भी एक्सेस कर लेगा, फिर तो पब्लिक ही हो ठीक। जाएगा। हाँ, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम एक ऐसा यूज गेटवे यूज करते हैं जिससे कि इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी तो मिल जाएगी बट इसको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब गेटवे मिल जाएगा बट वो हाँ मतलब हाँ हमारा जो प्राइवेट अपना वो है मतलब उससे एक्सेस हो पाए। हाँ मतलब कि इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी और इसको कोई एसएस भी नहीं कर पाएगा, उसका नाम होता है नेट गेटवे, ठीक है। मतलब कि कोई SSH भी ना ले पाए और इंटरनेट भी ये यूज करता रहे, समझ रहे हो? ओके। समझ रहे हो, मतलब पिंग नहीं कोई कर पाएगा बाहर से, बट हाँ इसके इंटरनेट चलता रहेगा, ठीक है। वो मैं और करके मतलब दिखा पिंग देता हूँ पिंग अभी। पिंग सर ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे कर सकते हैं मतलब जो बना रहे हैं। हाँ, जो प्राइवेट नेटवर्क में वो तो कर ही सकते हैं ना, अपने प्राइवेट से सेम नेटवर्क में तो कर लेगा ना बंदा। अब देखो मेरा पिंग नहीं आ रहा google.com से, तो मैं क्या करूंगा, एक नेट क्रिएट करूंगा। तो नेट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, देखो नेट गेटवे। तो नेट गेटवे किसके लिए होता है, अगर आपको प्राइवेट सबनेट के इंटरफेसेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है, देन वी विल यूज द नेट गेटवे। तो क्रिएट ओके नेट गेटवे, क्रिएट नेट गेटवे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, samir.net का नाम दे दिया मान लो मैंने, सबनेट कि सबनेट में बनाना है। ध्यान रखना कि जो मेरा ये सबनेट, ये नेट गेटवे होता है, मेरा पब्लिक सबनेट में बनेगा, पहली चीज। अगर यहाँ पे बना दिया तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पब्लिक सबनेट में ही इसको बनाना है, ये जो सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इलास्टिक आईपी, इसको ना देखो एक इलास्टिक आईपी चाहिए होता है। तो अगर आपके पास इलास्टिक आईपी है तो वो ये अपने आप उठा लेता है, अगर नहीं है तो लोकेट कर लो इसको। तो इसने एक आईपी अपने लिए ले लिया, और क्रिएट नेट, नेट गेटवे क्रिएटेड हो गया। और यहाँ पे देखो अभी भी मेरा पिंग रुका हुआ है क्योंकि मैंने अभी राउटिंग टेबल में रूट ऐड नहीं करा, नेट तो बना दिया मैंने। तो मैं हाँ जी, हाँ राउटिंग जी, टेबल में जाऊंगा और वहां पे कहूंगा कि भाई जो प्राइवेट वाले इंटरनसेज हैं वो इंटरनेट पे जा सकते हैं नेट के थ्रू, ठीक है। अभी मैंने क्या रूट ऐड किया हुआ था कि अभी मैं अंदर से ही कम्युनिकेशन कर पा रहा था, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि अगर इंटरनेट पे जाना है ना इस पे 0.0 पे, तो आप नेट के थ्रू जा सकते हो, नेट गेटवे के थ्रू। ये रहा, ओके एक मिनट, ये क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। ओके नेट गेटवे के थ्रू जा सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है। एंड सेव चेंजेस, देखो अभी कोई पिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब मैंने जैसे ही इसको सेव चेंजेस किया, ये देखो थोड़ा टाइम लेगा ये। थोड़ा सा टाइम लेता है कई बार, जैसे हमने अभी सिक्योरिटी का तो वो नहीं है तो इसमें। नहीं, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो रूट राउटिंग टेबल तो ऐड कर दिया ना मैंने, कि ये जो मेरा ये वाला VPC था प्राइवेट वाला, ठीक है, इसके राउटिंग टेबल में रूट ऐड कर दिया कि नेट के थ्रू आप जा सकते हो। अब कोई कुछ नहीं करना, पिंग आना चाहिए मेरा, हाँ जी, एक मिनट, ये देखो आ गया, देख रहे हो? हाँ जी, आ गया। तो थोड़ा टाइम लगता है कई बार। टाइम लेता है थोड़ा। तो देखो अब पिंग तो कर पा रहा हूँ बट बाहर से मेरा पिंग नहीं होगा। देखो मैं इस प्राइवेट सर्वर को अगर बाहर से पिंग कर रहा हूँ ना, ये देखो, बाहर से नहीं ये होगा। रहा, देखो बाहर से मैं इसके पब्लिक आईपी को पिंग करूँ ना तो मेरा पिंग नहीं आने वाला, ये लो नहीं आएगा। बट इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, देखो उसके पास आ रही है ना, google.com हाँ बस गूगल चल रहा है, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही। अगर इसमें सर हम ping 8.8.8. करते तो तब तो जाएगा तब भी आईपी आएगा, एड्रेस। ये लो कर देता हूँ, लो तब भी आ जाएगा, ये तो गूगल का ही आईपी है ना, ये लो।
आईपी से भी पिंग कर सकते हैं, डोमेन नेम से कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो ये होता है कि कैसे आप पीपीसी क्रिएट करोगे, कैसे आप सबनेट बनाओगे, कैसे राउटिंग टेबल बनाओगे, कैसे आईजीडब्ल्यू बनाओगे, कैसे हम इंटरेंसेस पब्लिक सबनेट में हम इंटरेंसेस जो क्रिएट करेंगे वो तो उनको तो इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी आईजीडब्ल्यू के थ्रू, बट प्राइवेट इंटरेंसेस को अगर अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है तो नेट के थ्रू आप कैसे उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी दोगे। तो जो पब्लिक सबनेट से हम जो पब्लिक सबनेट में मशीन है उसके थ्रू आप प्राइवेट सबनेट की मशीन्स को एक्सेस करोगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जंप सर्वर या फिर बेस्ट ऑन होस्ट। ठीक है, अच्छा अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिपीट करना सर? जंप सर्वर, जो हम पब्लिक सर्वर से एक प्राइवेट सर्वर का रिमोट ले रहे हैं ना, जंप सर्वर बोलते हैं इसको। जंप सर्वर या बेस्ट ऑन होस्ट, तो जंप सर्वर देखो गूगल पे बेस्ट ऑन होस्ट जंप सर्वर होता है कि जैसे ये एक तरह से ना ये आपका जंप सर्वर होगा ये वाला, ये पब्लिक जो हमारा पब्लिक सर्वर जो है, अब ये जंप सर्वर हाँ, क्योंकि इससे इसका एसएस ले पा रहे हो ना, तो मतलब कि ये जंप सर्वर की तरफ काम कर रहा है। देखो मैं दिखा भी देता हूँ जंप सर्वर, ये लिखा ना, बट इज ए जंप सर्वर। तो जंप सर्वर इज ए सर्वर एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट, जो इंटरनेट से एक्सेसिबल हो, ए रेगुलर लिनक्स सर्वर दैट कैन असेस अदर लिनक्स मशीन, मतलब जो दूसरी लिनक्स मशीन को असेस कर पाएगा जो प्राइवेट में हो। ठीक है, एडवांटेज ऑफ जंप सर्वर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ जंप सर्वर, इट बिकम इजियर टू फॉर द एडमिन। जो भी है जंप सर्वर के बारे में और भी, मतलब यही होता है कि जिससे आप दूसरा सर्वर असेस कर लेते हैं, जंप सर्वर इज डिफाइन एज सिस्टम अदर मैनेज ऑल डिवाइसेस, मतलब इससे जंप करके आप एक तरह से ना ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है, इससे जंप करके आप दूसरे सर्वर प्राइवेट सबनेट में जो सर्वर है उनको एक्सेस कर सकते हो। ओके ठीक है, तो इतना ही था, इसमें कोई डाउट है अभी कहीं पे? नहीं सर, डाउट नहीं हमारा, बस ठीक है। तो इसका अपना स्टडी कर लो, कोई भी अगर डाउट्स हो तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको इतना करना है, बस वीपीसी क्रिएट करना, सबनेटिंग पढ़ लेना, और क्लासफुल आईपी एड्रेस क्या होते हैं, इंटरनेट गेटवे कनेक्ट करना, क्रिएट करना, सबनेटिंग करना। ओके ओके, बाय, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके।